Audio Jungle. आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। उमेश भाटी जी का स्वागत किया जा रहा है प्रवक्ता बनने पर। आइए बात करते हैं उमेश भाटी जी से। उमेश भाटी जी, नमस्कार जी। आपको प्रवक्ता बनाया गया है, क्या कहेंगे? देखो, पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है और चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अब मैं जननायक जनता पार्टी की जो नीति रीति है उनको लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, और मैं अपना 100% दूंगा जिससे कि हमारे दुष्यंत चौटाला जी जो सरकार में काम कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री के तौर पर, वो क्या क्या कार्य हैं, क्या भलाई उन्होंने की है जनता की, और क्या आने वाले समय में जो नए वो कार्य करेंगे उनके बारे में जनता को पहुंचाने के लिए मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जिसे मैं बखूबी निभाऊंगा। किसको बधाई देना चाहेंगे? मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष निशान जी, और साथ ही साथ प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी, और पार्टी के हर एक उस कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने बहुत समझ के, सोच समझ कर मुझे जिम्मेदारी दी है। अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे आप? क्योंकि आपको पार्टी ने एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, पहले भी मेरे पास प्रदेश प्रवक्ता का पद रहा है और मैं काफ़ी सालों तक इस पद पर काम किया है मैंने, और जब भी मैं चैनल के माध्यम से जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर मैंने पार्टी के साथ साथ अपने जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उनको भी वहां पर उठाया, और अब भी मैं वही काम फिर दोबारा से करूंगा मैं, जो भी हमारे तिगाम विधानसभा के साथ साथ हमारे फरीदाबाद और आसपास के शहरों की जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं पहुंच नहीं पा रही हैं ऊपर के कानों तक, वो चैनल के माध्यम से, आप जैसे भाइयों के माध्यम से मैं उनको आगे तक पहुँचाऊँगा, और वो बहुत हद तक जब आगे पहुँचती है बात तो वो चीज़ें समाज में उनका सुधार भी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि चैनल के माध्यम से जो उठाई जाएंगी जो समस्याएं वो जल्दी सुधरेंगी, तो ये काम मैं सबसे पहले करूंगा मैं। हरियाणा में फरीदाबाद, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र आता है, तो जननायक जनता पार्टी फरीदाबाद में कितना अपना वर्चस्व जमाएगी इस बारी, क्या लगता है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी बहुत बड़ी पकड़ है जननायक जनता पार्टी की, और एकमात्र लगभग 2 से 3 साल पहले बनी पार्टी और उसके 10 विधायक आना, उप मुख्यमंत्री बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये प्यार जो जनता ने दिया है, हरियाणा के जनता ने जो प्यार दिया है, ये जनता का प्यार आज भी बरकरार है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी ये प्यार बढ़ता जा रहा है, घट नहीं रहा है, क्योंकि दुष्यंत जैसे जो लीडर हैं, उभरते हुए जो नेता हैं, ये ऐसे राजनेता हैं जिनके अंदर देवीलाल जी की छवि तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ नए नव निर्माण हरियाणा के जो एक कहते हैं कि एक सोच, वो भी इनके अंदर यूथ के अंदर है, तो यूथ बहुत प्रभावित है उनसे। युवा वर्ग इतना जुड़ रहा है जननायक जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि दुष्यंत की जो कार्यप्रणाली है उसको देखकर यूथ जुड़ रहा है। यूथ के साथ साथ जो बड़े लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि एक समझदार छोरा पहली बार जो है बैठा है हरियाणा की कुर्सी पर, तो उस समझदार छोरे को और आगे लेके जाएंगे ये हरियाणा के निवासी। सेक्टर 14 में जो डीएवी स्कूल का सभागार है उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जी पहुंच रहे हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त फरीदाबाद की जो जनता है, ख़ास तौर से जो शहरी लोग हैं, उनसे मिलने के लिए जो है, उनसे रूबरू होने के लिए अजय चौटाला जी वहाँ पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग पहुँचें और उनसे मुलाकात करें, मिलें, अपनी समस्या उन्हें बताएं, और वो भी आपको जानेंगे, आप भी उन लोगों को जानेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। धन्यवाद।